ईयरिंग्स आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी हाँ, ये नए साल का ही दिन है, तो आज हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं तो मेरी वीडियो में बने रहना आगे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और अपने साथ आपको भी घुमाऊंगी उस नई जगह। और ये कोई वैसी जगह नहीं है, बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलिए ठीक है, अभी आप म्यूज़िक का आनंद लीजिए। संगीत का आनंद ले लिया होगा। तो जी हाँ, तो अब हम करीब पहुँचने ही वाले हैं जहाँ मैं मतलब गई हूँ। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पर मैं एक रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, तो यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा ही वीडियो शूट किया था। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आ गई हूँ मनगढ़, इलाहाबाद प्रतापगढ़ कुंडा के पास ही है। देखिए ये है भक्ति धाम, श्री कृष्ण जी का इतना सुंदर यहाँ पर मतलब दर्शाया गया है, उनकी पूरी लीला बिल्कुल वृंदावन का दूसरा रूप डुप्लीकेट बनाया गया है। तो चलिए ये गेट से हम एंट्री करते हैं, आप भी एंट्री करिए हमारे साथ, आप भी चलिए। मैं आपको आज यहाँ का दृश्य दिखाती हूँ। तो जो भाई बहन मेरे ना आए हों तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप ज़रूर देखें ये धार्मिक स्थल। तो आज हम लोग यहीं पर आए हैं घूमने का, बहुत दिनों से प्लान बन रहा था पर नहीं आ पाए, तो बस अचानक से ये न्यू ईयर पे प्लान बना। मौसम तो बहुत गड़बड़ था, ठंडी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये हुआ कि चलो छुट्टी है तो छुट्टियों का कुछ तो आनंद लें। तो बस ये देखिए, ये गेट की एंट्री से हम जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर साफ़ सुथरा इसको बनाया गया है। बहुत ही प्यारी जगह, धार्मिक स्थल है जो है, और बहुत सुंदर मतलब मथुरा वृंदावन का एक छोटा सा रूप यहाँ पर दिया गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो है, घूम करके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर कृष्ण जी का काफ़ी बाल चित्र भी दर्शाया गया है, काफ़ी सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है और इतना साफ़ सुथरा। हम और जगह घूमने गए हैं पर इतना साफ़ सफाई हमने नहीं देखा जितना पर यहाँ पर साफ़ सफाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देख, और काफ़ी आज बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, बहुत लोग, क्योंकि सभी लोग छुट्टियों में सभी लोग घूमने टहलने आए थे जो हैं, और काफ़ी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, जो मेरे भाई बहन ना देखे हों तो वो आज मेरे द्वारा ज़रूर देख लें, अपने आँखों को मतलब कृष्ण भगवान का दर्शन दे दें। तो चलिए ठीक है, आप बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग देखिए ये रास्ता, और काफ़ी छोटे छोटे चित्र भी दर्शाए गए हैं और अगल बगल में पेड़ पौधा, काफ़ी सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है।
जो है। और यहाँ के एक संत महात्मा जी हैं जिन्होंने इस मंदिर को बनाया था जो है, बिल्कुल कृपालु महाराज, सद्गुरु कृपालु महाराज जी, इन्होंने मतलब इस कृष्ण जी के बाल चित्र को यहाँ पर दर्शाया है, मथुरा वृंदावन का पूरा दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए कृष्ण जी जब उपदेश दे, यहाँ पे कृष्ण भगवान महाभारत में जब युद्ध हो रहा था तो वो अर्जुन को समझा रहे थे, उन्हें उपदेश दे रहे थे, उस चित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है जब श्री कृष्ण भगवान सारथी बने थे अर्जुन के, बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवा रही थी, तो चलिए ठीक है, आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आगे भी हम आपको दृश्य दिखाते हैं। जो भाई बहन नहीं आए हैं वो मेरे वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखें, और जो आना चाहते हैं ज़रूर आइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा दिखाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर।